चूज़ वन, स्वीट या स्पाइसी। दोनों में से आपका जो भी फेवरेट है, स्वीट या स्पाइसी, वो चूज़ करना। सबसे पहले टॉपिक किस टाइम पर आपकी याद आती है? फर्स्ट में है आपके लिए नाचोस और सेकंड में है ये कुकी। तो आप क्या चूज़ करोगे? अगर आपने फर्स्ट वाला स्वीट चूज़ किया है तो मॉर्निंग में याद आती है, और सेकंड वाले का आंसर है नाइट में आपकी ज़्यादा याद आती है उनको। अब आपके लिए सेकंड टॉपिक, आप दोनों का कपल कैसा होगा? चूज़ करो अपना सूप या फिर ये सैंडविच वाला बिस्किट। क्या चूज़ करोगे? फर्स्ट वाला चूज़ किया है तो इसमें आंसर है लविंग कपल होगा, और सेकंड वाले का आंसर है फाइटिंग कपल होगा। मींस फाइट, लड़ाई ज़्यादा होगी दोनों के बीच। इसके बाद आपके लिए है थर्ड वाला टॉपिक, आप दोनों में क्या होने वाला है? चूज़ करो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़, स्वीट या स्पाइसी में से। अगर आपने चूज़ किया अपने लिए स्पाइसी को तो आपका आंसर है सो आप दोनों के बीच प्यार और ज़्यादा बढ़ने वाले, और सेकंड वाले का आंसर है किसी बात पर लड़ाई होने वाली है दोनों के बीच। इसके बाद आपका ये टॉपिक है, क्या वो अपनी और आपकी शादी होने की दुआ करते हैं या नहीं? चूज़ करो कपकेक या बर्गर। अगर आपने फर्स्ट वाला चूज़ किया स्पाइसी तो यस, वो दुआ करते हैं आपकी और अपनी शादी की। सेकंड वाले कपकेक का आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं करते वो। अब आपके लिए है ये टॉपिक, लास्ट टॉपिक, क्या कोई और GF और BF है उसका या नहीं? चूज़ करो अपना और देख लो आंसर क्या होगा आपका लिखा। सबसे पहले वाले सैंडविच का आंसर आपके लिए है नहीं, उसकी कोई और GF BF नहीं है आपके सिवा। सेकंड का आंसर है हो सकता है कोई हो उनके लाइफ में।